सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिम कार्ड स्वैप करके चोर कैसे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों की खबरों पर नज़र डालें तो सिम स्वैपिंग की काफ़ी सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। हाल ही में सिम स्वैप करके कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सिम स्वैपिंग क्या है और इसके ज़रिए किस तरह लोगों को चोर ठग रहे हैं, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सिम स्वैप का सीधा मतलब है कि सिम कार्ड को नई सिम से बदल दिया जाए। आपकी टेलीकॉम कंपनी को एक मैसेज करके आपके मौजूदा सिम को निष्क्रिय किया जा सकता है और नई सिम के ज़रिए आपको ठगा जा सकता है। चोर कैसे करते हैं नई सिम का यूज़, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ठग आपको एक नए नंबर से कॉल करते हैं और ख़ुद को आपकी टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। ये ठग आपको फ़ोन पर कॉल ड्रॉप और इंटरनेट चलाने में आने वाली समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाते हैं। ये आपको 4G सिम घर पर पहुंचाने का भी वादा करते हैं। अपनी बातों में फंसाकर ये ठग आपसे सिम कार्ड का 20 नंबर्स का एक ख़ास नंबर पूछते हैं जो सिम कार्ड के बैक पर होता है। 20 अंकों वाला ये नंबर बताने के बाद आपके सिम स्वैप के लिए एक मैसेज आता है। अब आपसे ये ठग पुष्टि के लिए एक दबाने को कहते हैं। इसके बाद असली खेल शुरू होता है क्योंकि कंपनी को लगता है कि आपने ही नए सिम के लिए आवेदन किया है। इसके बाद आपका सिम काम करना बंद कर देता है और नेटवर्क चले आते हैं। ख़ास बात यह है कि जैसे ही आपके नंबर से नेटवर्क गायब होता है, ठीक उसी समय ठग के पास मौजूद आपके नंबर की नई सिम पर नेटवर्क आ जाता है। दरअसल इस तरह की ठगी में ठग के पास आपका बैंक अकाउंट नंबर या ATM कार्ड नंबर पहले से होता है। बस ज़रूरत होती है तो एक OTP की, और यह OTP उसके सिम स्वैप करने से मिल जाता है। इसके बाद वह आपके नंबर पर OTP मंगाता है और आराम से शॉपिंग कर लेता है। कई परिस्थितियों में धोखेबाज आपसे मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर भी मांगते हैं, क्योंकि आजकल बैंक से लेकर कई सारी सेवाएं आधार से सीधे तौर पर जुड़ गई हैं। कई बार ये ठग आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप गुस्से में आकर फ़ोन ही बंद कर देते हैं और इसी का वे इंतज़ार करते हैं ताकि लेन देन होने पर आपके नंबर मैसेज ना आए और आपको कुछ पता ही ना चले। ऐसे में अपना मोबाइल किसी भी कीमत पर बंद ना करें। तो बस हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले थे। तो आजकल अब चोरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी को भी अपनी सिम ना दें, जान पहचान का है तभी दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।